अपने 18 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान अब तक बस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते रहे हैं, लेकिन पहली बार कुछ अलग करते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। दरअसल तीर्थयात्रियों से भरे विमान को उन्होंने हरी झंडी दिखाई और इसी के साथ मध्य प्रदेश में विमान से तीर्थ दर्शन कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश के बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार हो गए हैं शिवराज सिंह चौहान। इन तस्वीरों को जी भर कर देखिए। बड़े ही आत्मीयता से सीएम शिवराज सिंह चौहान बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेज रहे हैं, वो भी हवाई जहाज से। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा कराई जा रही है। आज का दिन अद्भुत दिन है। हमारे बुजुर्ग, जिनको मैं माता पिता ही मानता हूं, आज तीर्थ यात्रा पर हवाई जहाज से यहां से रवाना हो रहे हैं। 32 तीर्थ यात्रियों का ये जत्था भोपाल से प्रयागराज के लिए निकला है। इनमें 24 पुरुष और 8 महिलाएं हैं। संकल्प आज पूरा हुआ है, एक सपना आज साकार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी टीम में मिलकर ये तय किया कि अपने बुजुर्गों को हम हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करवाएंगे। शिवराज सिंह चौहान खुद प्लेन तक आए, यात्रियों को नारियल और फूल दिया, मालाएं पहनाई और सीट तक बिठा के आए। बता दें कि शिवराज सरकार ने ही सबसे पहले 2012 में तीर्थ दर्शन योजना शुरू की थी। अब तक करीब 8 लाख तीर्थ यात्रियों को रेल के जरिए मध्य प्रदेश की सरकार तीर्थ स्थलों तक भेज चुकी है, लेकिन अब हवाई जहाज से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। मैं आज अपने जननायक भैया शिवराज जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके नवाचार सदैव प्रदेश और देश दुनिया में अग्रणी रहे, चाहे बात लाडली लक्ष्मी लाडली बहना की हो या फिर हवाई तीर्थ यात्रा की ही क्यों ना हो। आज सभी बुजुर्ग बहुत प्रसन्न हैं, जिनने खेत खलिहानों से खाली उन्हें उड़ते हुए देखा था, आज हमारे बुजुर्ग उसके माध्यम से यात्रा कर रहे हैं। आगे और किस तरह की योजना में कितने लोगों को ये यात्राएं निरंतर जारी रहेंगी। बीजेपी शिवराज सरकार की इस पहल से फूली नहीं समा रही। आज जो यात्री जा रहे हैं हम उनको बधाई और शुभकामनाएं देंगे और बदलते हुए भारत का ये दृश्य देखने को मिल रहा है। ये मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, महाकाल का कॉरिडोर बन रहा है। पहले यात्रा लोग हज से हवाई जहाज से हज यात्रा पर जाते थे, अब सनातन धर्म के लोग भी विजय परचम फहराकर तीर्थराज प्रयागराज को हवाई जहाज से जा रहे हैं और गंगा मैया का दर्शन करेंगे और गंगा में डुबकी लगाएंगे। जबकि कांग्रेस कह रही है कि शिवराज सिंह खुद हवा में है। बुजुर्गों को हवाई यात्रा भेज रहे हैं। कौन? शिवराज जी तीर्थ यात्रा हवाई जहाज से यात्रियों को भेजा है प्रयागराज। शिवराज जी आसमान में है, जमीन में आ जाए मध्य प्रदेश सुधर जाएगा। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव है, जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को बीजेपी जरूर भुनाएगी। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।